हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और फिट होंगे एंड फाइन होंगे। तो हम लोग भी एकदम बढ़िया से हैं। अभी दोस्तों सुबह के बज रहे हैं लगभग 7:30 और आज के मौसम की बात की जाए तो ये देखिए पूरे में जो है बादल छाए हुए हैं और इस टाइम तक ना धूप भी निकल जाती है, लेकिन अभी तो बादल छाए हुए तो इसलिए धूप कहीं नहीं है। तो अभी जो है सुबह सुबह तो मौसम ठंडा हो रहा है और आज जो है ठंडे ठंडे मौसम, तो जब ठंडा मौसम होता है ना तो कुछ अच्छा सा स्पेशल सा खाने का मन करता है। जैसे कभी ठंडे मौसम में पकौड़े हो गए, हलवा हो गया, ऐसी चीज़ें। तो आज नाश्ते में ना हलवा ही बनेगा हमारे घर पे। और आज संडे भी है, अक्कू की छुट्टी भी है, तो अक्कू भी घर पे है और अक्कू को भी हलवा काफ़ी पसंद है। तो नीचे चलते हैं किचन में और सबके लिए एक बार ही नाश्ता तैयार कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं। और नाश्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आग जला रही हूँ और फिर उसके बाद एक कनस्तर है, इसमें ना पानी है, ये रख देंगे क्योंकि भाई नहाना है और ना बहुत ज़्यादा क्या है ठंडा हो रहा है, तो ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकते और आज वैसे भी धूप नहीं है तो गर्म पानी करेंगे, उसके बाद नहाएंगे क्योंकि बच्चों को भी नहलाना है। और अक्कू ना उसको बुला दिया, ऊपर ही लगी हुई है पानी। क्या अक्कू कुरानी क्या कर रही है? अच्छा अपने बालों में यहाँ पे क्या लगा रही है? ऑयल लगा रही है अपने बालों में। हेलो हाय करो। हेलो नमस्ते, आप कैसे हो? हम बहुत बढ़िया हैं। अभी आप क्या कर रहे हो बताओ सबको? बाल बना रही हूँ। बाल बना रहे हो? नहीं नहीं करनी है ना? नहीं। हाँ बच्चा नहीं नहीं करेगा, हाँ आज मना करेगी, मैं नहीं नहाऊंगी। चलो नीचे हलवा बन रहा है। अपने बालों में तेल लगाने में लगी हुई है आपको और नहाने के लिए ना मना कर रही है कि मैं नहीं नहाऊंगी। और सच में ठंडा तो काफी लग रहा है, धूप नहीं है ना, और वैसे भी पहाड़ों पे तो ठंडा रहता ही है और ऐसा मौसम हो जाए, बारिश आ जाए तो और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो चलते हैं नीचे और यहाँ पे जो है हलवा बन रहा है और इसमें ना मैंने यहाँ पे पानी डालते हैं गर्म करने के लिए, सीमी चीनी डालते हैं, गुड़ का भी बनाते तो गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ का हलवा भी बनाता है, चीनी वाला है ना, गुड़ डाल के भी बना सकते हैं, दूध है, दूध भी डाल सकते हैं इसमें। पहले बार सुन रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से पीने के लिए मिल रहा दूध भी नहीं, हमारे घर में तो नहीं है ना, लेकिन वैसे कह रही हूँ यहाँ पे मम्मी जी बैठी हैं इंतजार में कि कब मुझे मिलेगा हलवा, गर्मा गर्म हलवा कब मिलेगा और कब मैं खाऊंगी, है ना। और टाइम हो गया लगभग 8 बजने वाले हैं और इतने टाइम तक तो मम्मी ना घर भी चल जाते हैं। हाँ थोड़ा लेट हो गया, संडे था ना तो हम लोग भी लेट ही उठे क्योंकि एक दिन तो मिला आराम से उठने का, वरना आपको किस के चक्कर में जल्दी उठना पड़ता है ना मैं। और आज भी यहाँ पे सो रखे हैं, गुड्डी बैठी हुई है, हलवा कब मिलेगा सब इंतजार कर रहे हैं। ये है आदमी का झूला, इसलिए हम आदमी के लिए झूला नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमें पता है झूला है हमारे पास, वो उस झूले को हिलाना पड़ता है, ये झूला खुद हिलाता है यूं करके। हाँ ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि गुड्डी को ना, गुड्डी बच्चों का बहुत ध्यान रखती है और आदमी का बहुत ध्यान रखती है, तो गुड्डी को थैंक यू बोलना चाहिए, बड़ी बुआ तो क्या ही करती है बड़ी उत्तर, लेकिन भाई उनका भी धन्यवाद है, वो एक से एक चीजें देते रहते हैं बच्चों के लिए, और गुड्डी का तो हमेशा ही धन्यवाद है, वो तो हमेशा ही बच्चों का ध्यान रखते हैं तो उसके लिए तो हमेशा ही है नी, है नी माँ। लोगों ने की बड़े बुआ तक की धन्यवाद कर लिया करना तो नहीं करा हुआ, थोड़ा सा हलवा चलाने के लिए बोला उनको, सब्जी चलाने के लिए उन्होंने ना यहाँ पूरा आ गया सब बना दिया। चलो डालो इसमें पानी, कैसे डालूं? उठा डालो पानी, धीरे धीरे डालना वरना। पूरा डालना, पूरा गाढ़ा जाएगा वो,
पतला हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पतला बिल्कुल। दोस्तों अभी यहाँ पे हलवा बन के ना तैयार हो गया है और अब सबके लिए नाश्ता लगा देती हूँ, फटाफट सब नाश्ता कर लेंगे। और यहाँ पे ना आद्विक भी उठ गया है। आद्विक अभी थाली लगा दी है, गर्मा गर्म हलवा बन गया है, साथ में चाय है और अब टेस्टी से नाश्ते का आनंद ले लेते हैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो गया लगभग 11 बज चुके हैं और नहाना धोना हो गया है और यहाँ पे मैंने दिन के लिए ना लंच भी तैयार कर दिया है। तो आज दिन की लंच में बनी है ये पहाड़ी मिक्स दाल, इसमें राजमा सोयाबीन सारी मिक्स दालें हैं। तो दाल बन गई है और बस चावल बनाने हैं और यहाँ पे ना आद्विक भी सो रहा है। तो अभी गुड्डी नहाने गई है तो इसलिए मुझे आद्विक के साथ ना यहीं पर रहना पड़ेगा, कभी भी उठ जाएगा तो फिर रोने लग जाता है इसलिए। और फिर बाकी और काम करेंगे घर के। अभी ना बहुत बारिश हो रही है देखो और मौसम भी बहुत खराब है और ना अभी ना छींटे भी पड़ रहा है यहाँ पे देखो, इन्हें छोटे छोटे दिख नहीं रहे। बारिश हो रही है तेज। यहाँ पे मम्मी कह रही है बाल और मेरे तो बना दिए देखो कितने लंबे थे और छोटे हो गए। हेलो दोस्तों अभी टाइम हो गया है शाम का और शाम के बज गए हैं लगभग 4। तो आज ना सुबह से ही मौसम ख़राब था और अभी जो है हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है और उधर तो भयंकर वाली बारिश लगी हुई है, इधर पूरे बादल छाए हुए हैं और साथ में ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो तेज़ बारिश भी आ सकती है। और दिन में क्या हुआ, खाना वगैरह खाया उसके बाद थोड़ा आराम किया और अब शाम की चाय का टाइम हो गया तो चाय भी बन गई है तो चाय पी लेते हैं। तो ये बन गई है सबके लिए शाम की चाय और उसमें साथ में है नमकीन बिस्किट भी है और आपको भी आ गई। चलो 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 घर में कौन आया आपको बताएगी, पहले बताओ। और अभी ना घर में कोई आया भी है तो मिलाते हैं कौन आया है। चलो तो अभी ना लाइट भी चली गई अंदर और यहाँ पे देखो अमित भी आ गए हैं दिल्ली से, है ना। तो अमित अभी तो थोड़े दिनों पहले तो गए थे घर से और दोबारा आए, 10 दिन हुए अभी, है ना। तो अमित ना अभी क्योंकि अमित का काम है फोटो शूट वगैरह का तो ये दोबारा से ना शादी की बुकिंग मिल रखी है। तो अमित ना अभी अभी पहुंचा है और ना अमित के मामा ही गए थे अमित को देवराग लेने के लिए तो बस उस अभी लोगों ने खाना वगैरह खाया तो चाय बना दी है। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है लगभग शाम के 7 बज गए हैं और जब हम लोगों ने चाय पी शाम के टाइम पे 4 बजे के करीब तो तब से ना बारिश स्टार्ट हो गई थी और अभी थोड़ी देर बारिश से रुक गई है लेकिन ये देखिए पूरे में ना कोहरा ही कोहरा छा गया है तो इतना ठंडा मौसम हो रहा है भाई। और ऐसा लग रहा है ना जैसे जुलाई अगस्त में होती है ना बारिश, ऐसा वाला मौसम हो रखा है, बिल्कुल बिल्कुल कोरा कोरा छा गया है और बारिश ठंडा मौसम हो गया एकदम। और अब तो यहाँ पे चल रहा है छत में डांस, है ना। अम्मा मेरे को गाना चलाने दे रही है और बाहर ऐसा ठंडा हो रहा है ना और अंदर यहाँ पे दोनों मामा भांजे सो रहे हैं, यहाँ पे अमित सो रहा है और यहाँ पे उसके मामा सो रहे हैं और आपको तो बाहर लगी हुई है। और अब मैं चलती हूँ नीचे, रात के खाने की तैयारी करते हैं, अभी भी नीचे ही है। कल आपको स्कूल जाना है अगर बारिश होगी तो। मम्मा मेरे को ना जो ड्रेस मिली है ना जिस पे वो लाल लाल लगा हुआ है वही पहनना है जी। अभी वो लाल वाली पहनते हैं, बाद में पहनेंगे दूसरी। तो चलते हैं नीचे और रात के खाने की तैयारी करते हैं। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग,
अभी एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और कल दिन से ही मेरा वीडियो चल रहा है। और क्या है कि कुछ शूट करने के लिए हुआ नहीं, तो कल भी बारिश वाला ही मौसम हो रहा था और अभी भी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल कोरा कोरा छाया हुआ है और अभी कभी हट रहा है कभी एकदम से बहुत ज़्यादा उजारा है, सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी बज गए हैं, लगभग टाइम हो गया है दिन के ना 12 बजने वाले हैं, तो मौसम को देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा है और हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। रात भर तो खूब तेज़ बारिश भी हुई और अभी बस दिन का जो लंच है वो बनाने की तैयारी हो रही है, तो क्योंकि अमित को भी आज जाना वेडिंग शूट के लिए और अभी अमित ना नहाने गया हुआ है, तो जब आएगा तब अमित से मिलवाऊंगी। आज क्योंकि ना स्कूल की भी छुट्टी हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है सुबह के टाइम पे, तो फिर स्कूल भी कैसे ही भेजना था। और सामने जो है वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी होता है, जैसे बारिश वगैरह होती है तो वहाँ से ना पत्थर वगैरह भी आते हैं, तो फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा डर भी रहता है। वैसे तो अक्कू के पापा ही जाते हैं अक्कू को लेने छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी। और जब तक अमित नहा के आएगा ना तब तक मैं लंच बना के तैयार कर देती हूँ क्योंकि फिर अमित को जल्दी ही निकलना है तो लंच करके ही जाएगा। तो अभी दोस्तों लंच बन ही रहा है लगभग, तो यहाँ पे मैंने ना दाल छौंक दी है और दाल बस बनने ही वाली है और इधर चावल रख दिए इंडक्शन में और यहाँ पे म्याऊं भी आ गई है भाग के, जैसे कैमरा करो भाग जाती है। और आज भी किया लगा हुआ है क्या करने बाल नाजिक ने कैमरा पकड़ने के लिए ऐसे कर रहा है ना। तो अभी दोस्तों हल्की बूंदाबांदी ना हो ही रही है और सुबह तो तेज़ बारिश हो रही थी और अभी लंच तो मैंने बना दिया। अब देख रहा तो घर में ना पानी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत ही बचा है, तो अभी मैं जाऊंगी पानी वगैरह लेने के लिए और देखते हैं है पानी लेने के लिए। और अमित भी नहा गया है, तैयार हो गया नहा के। और अभी आप देखेंगे ना तो यहाँ सामने बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल जैसे कोई वाइट सी चद्दर बिछा दी हो किसी ने, तो बिल्कुल कोरा ही कोरा छा गया है पूरे में। और ये मई के महीने में ना ऐसा मौसम हो रहा है, जबकि मई के महीने में इतनी गर्मी पड़ती है ना, वैसे गांव में तो नहीं पड़ती इतनी पर फिर भी पड़ ही जाती है, लेकिन इस बार तो लग ही नहीं रहा कि मई का महीना चल रहा होगा और बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैं पहले ना पानी ले आती हूँ, फिर अमित को लंच वगैरह भी देना है, तो चलते हैं गागर लेकर के अपने धारे पे। तो अभी दोस्तों मैं पानी लेकर के घर आ गई हूँ और अमित भी ना नहा धोकर ना बिल्कुल रेडी हो गया है अपने वेडिंग शूट पे जाने के लिए। और अभी मैंने अमित के लिए यहाँ पे ना खाने की थाली भी लगा दी है और दाल चावल सलाद और साथ में घर का घी है और जो अमित को बहुत पसंद है। अच्छा है ना अमित। और एक बार अमित खाना खा लेगा ना तो उसके बाद बताएंगे कि अमित वेडिंग शूट के लिए कहाँ जा रहा है। तो अभी दोस्तों अमित ने खाना खा लिया है और बिल्कुल रेडी हो गया अपना बैग वगैरह लेकर के। और अमित ना स्मार्ट भी लग रहा है आज अपनी मामा की जैकेट में, है ना, ब्लैक ब्लैक हो रहा है पूरा। और अमित का साइज और अमित के मामा का साइज ना बिल्कुल सेम एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ठंडा भी हो रहा है। और अमित ने सोचा कि गर्मी जैसा दिल्ली में गर्मी हो रही है तो यहाँ पे भी ऐसी मौसम होगा, पर यहाँ पे तो बिल्कुल चेंज मौसम है। और अमित बताएगा किस साइड जा रहा है। मैं पौड़ी जा रहा हूँ। तो अमित ना वेडिंग शूट के लिए जा रहा है पौड़ी गढ़वाल में और पहली बार जा रहा है ना। हाँ तो पहली बार जा रहा है और वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि मैं तो गई ही भी हूँ। और अब अमित आएगा चार दिन बाद आएगा, तो ये एक्टिवा की चाबी है, अमित एक्टिवा लेके भी जाएगा क्योंकि इसके मामा ना इसको एक्टिवा से भेज रहे हैं, तो डे पैक तक ही जाएगा एक्टिवा से, तो खैर है ना। चलो चार दिन बाद मिलेंगे अमित से फिर। बाय कर दो भैया को, बाय कर दो, प्यार भी कर दो भैया को। अगर मेरे साथ ही चला जाओ। हाँ अगर आपको बड़ी होती तो जाती भी है ना, आपको को तो स्कूल भी है। ठीक है फिर हम आराम से जाइए, है ना। जब छुट्टी पड़ेगी तब आएंगे। बाय बाय कर दो बाय। और आज तो भैया मौसम ना आज वैसे भी ना पूरे दिन की बारिश बता रखी है और हल्की बूंदाबांदी तो लगी हुई है और कभी तेज भी हो जा रही है और कभी फिर ऐसे ही बूंदाबांदी हो रही है। तो आज की इस वीडियो को भी दोस्तों यहीं पे ही एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।